हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी सुबह के 11:30 बज रहे हैं और हम अभी तो होटल में ही है श्रीनगर में। बाकी अब बाहर जा रहे हैं, आज तो लोकल श्रीनगर विजिट करेंगे। वेदर भी अच्छा हो रहा है, काफ़ी धूप वगैरह नहीं है, बाकी बारिश आने के तो चांसेस हैं बाहर। और अभी तो रूम में सारा सामान ऐसे ही फैला हुआ है। ये चार्जर ले लेते हैं, कभी भूल जाए। और ये अपना होटल है जिसमें हम रुके हुए हैं, काफ़ी अच्छा होटल है। होटल का नाम होटल मेडियम मॉडर्न ऐसा कुछ नाम है। वो अपनी गाड़ी अब यहाँ से निकल रहे हैं हम। बाकी श्रीनगर है, काफ़ी अच्छा है ये देखो। तो गाइज़ हम होटल से निकल चुके हैं, ये अपनी गाड़ी है और गाड़ी की हालत काफ़ी ख़राब हुई पड़ी है बारिश की वजह से। और वह हम जा रहे हैं श्रीनगर को घूमने के लिए। आज तो लोकल ही घूमेंगे, जितना घूम पाएंगे देखेंगे, काफ़ी बड़ा श्रीनगर है। चलो चलते हैं, देखते हैं कितना घूम पाएंगे। बाकी हेलो गाइज, तो अभी हम यहाँ पे हैं। ये है निषाद गार्डन की पार्किंग और लेक्स वगैरह की पार्किंग भी यही है। हमने गाड़ी पार्क कर दी है यहाँ पीछे और अब हम जा रहे हैं वहाँ पे। तो गाइज़ अब हमने ले लिए टिकट निषाद गार्डन की। ये 120 रुपीज़ की है, जिसमें मतलब 5 पर्सनों की है। और ये हमने भैया को टिकट दे दी और अब हम अंदर जा रहे हैं। इन्होंने टिकट फाड़ के हमें वापस दे दी। चलो अब अंदर चलते हैं, अंदर देखते कैसा है। वाओ, ये तो ये देखो गाइस, ये है निषाद गार्डन, काफ़ी सुंदर और बहुत बड़ा है। और इसके जस्ट अपोजिट में है डल लेक। ये रही, इधर देखो, काफ़ी अच्छा है। बहुत भीड़ है यहाँ पे, आगे सामने तक है। हाँ, यहाँ पे लिख रहा है वॉक ऑन द स्टेप्स केयरफुली। आगे देखो, बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। इधर देखो, क्लाउड्स है। और इसी के जस्ट सामने डल लेक है इधर। और यहाँ पे देखो, अलग अलग वैरायटी के फ्लावर्स हैं। देखो देखो यहाँ पे भी, मतलब बहुत सारे। इस गार्डन का नाम है निषाद गार्डन, काफ़ी अच्छा गार्डन है। देखो यहाँ पे बहुत सारी पब्लिक आई हुई है। ये देखो गाइस, ये कितना बढ़िया पेड़ है। ऐसे ऐसे हिलता है। काफ़ी अच्छा पेड़ है। ये पेड़ देखो, ये भी अच्छा है। और इधर ये फाउंटेन वगैरह है इधर। सो गाइस यहाँ पे देखो, ये देखो इन पहाड़ों पे बर्फ है। वैसे तो है नहीं, धूप भी बहुत ज्यादा हो रही है, बाकी इन वाले पहाड़ों पे दिख रही है थोड़ी थोड़ी बर्फ ना। इधर देखो, इधर दिख रही है। ये भी सेम ही उसी की तरह जो पिछला वाला गार्डन था। ये देखो, इसका नाम है शालीमार मुगल गार्डन। चलो चलते हैं अंदर, देखते हैं कुछ अलग अलग हो। कुछ तो अलग दिखा नहीं, बस ये फाउंटेन सा अलग है, पिछले वाले से अलग है। वो चल नहीं रहे थे, ये वाले चल रहे हैं। गाइस तो अभी हम हैं इसमें शालीमार गार्डन में, और इसमें तो कुछ भी नहीं है। ये तो उससे भी मतलब बेकार ही समझ लो, इसमें कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे पानी वगैरह कुछ नहीं है, बाकी घूमने के लिए भी सिर्फ पार्क पार्क है। तो इसमें आना मतलब बेकार ही है, मतलब टाइम वेस्ट करना है इसमें आना ना। पहले उसमें जाओ, दूसरे वाले गार्डन में, फिर इसमें आओ, तो मतलब दोनों में जाना टाइम वेस्ट है। उसमें जाओ या इसमें आओ, एक ही बात है, सेम ही है दोनों का। सो वहाँ पे हमें कुछ पसंद आया नहीं था इस बाग में, तो हम आ गए अपनी गाड़ी में और अब यहाँ से चल रहे हैं। काफ़ी गर्मी हो रही है, गाड़ी स्टार्ट कर लेते पहले। तो गाइज़ अभी हम परी महल जा रहे थे, तो बीच में ये चेक पोस्ट है जहाँ पे चेकिंग वगैरह हो रही है गाड़ियों की। और आगे मतलब इन्होंने रोका हुआ है, ये चेक कर रहे हैं गाड़ियों को कि मतलब कोई कुछ लेके तो नहीं जा रहा। यहाँ पे टेररिस्ट वगैरह का डर ज़्यादा रहता है ना, इसलिए यहाँ पे आर्मी है, पुलिस तो है। Thank you.
ये हमने टिकट ले लिए और टिकट दिखा दी। ये टिकट रही भैया, चार लोग हैं दो बच्चे, आप चार जाओ दो बच्चे जाओ। चलो भैया चलो अंदर चलते, ये तो अंदर घुसते काफ़ी अच्छा व्यू आया यहाँ पे, तो आर्मी भी है और इधर देखो काफ़ी अच्छा व्यू आया अंदर आते ही, ये देखो और गार्डन। तो अब यहाँ से हम नीचे जा रहे हैं, ऊपर जाने का रास्ता ऊपर बाद में जाएंगे, पहले नीचे होके आ जाते हैं, नीचे गया है। चलो चलते हैं, ये सीढ़ियाँ पुराने टाइम की है, राजा महाराजाओं के टाइम की, जब वो रहते थे उनके टाइम का ही महल है। ये देखो इसके नीचे भी जा सकते हैं, नीचे भी है कुछ ना कुछ अंदर। हम इससे बाहर आ चुके हैं परी महल से और गाड़ी यहीं खड़ी है अपनी, इधर देखते हैं ये क्या है यहाँ पे, ये परी महल। पता नहीं J&K फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका बोर्ड लगा हुआ है।